नमस्कार। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और शुरुआत हमेशा की तरह गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं। सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा, हालांकि इसके पहला जो हफ्ता था $1830 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ था गोल्ड स्पॉट गोल्ड में यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन उसके बावजूद हमने जो इंक्रीमेंटल अपसाइड देखा वो काफ़ी लिमिटेड देखा। हमने देखा कि $1835 के करीब जाकर एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमें देखने मिली है और 1790 के करीब का स्पॉट गोल्ड ने क्लोजिंग दिया है। वहीं डोमेस्टिक बाजार में हमने 47500 से 47600 तक के हाइज भी देखे थे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 46900 यानी 46900 के करीब देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि क्योंकि 1780 से $1775 के करीब स्पॉट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जो एक या दो बार बाज़ार ऑलरेडी छू चुका है, तो अगर इसके करीब बाज़ार जाता है तो वहाँ से एक उछाल देखने मिलेगा और दोबारा 1815 तक के डॉलर टर्म्स में हमें टारगेट देखने मिलेंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में 47300 तक ट्रांसलेट होते हैं। तो डिप पे बाइंग अभी भी सजेस्टेड होगी, लेकिन ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1830 के ऊपर हमें वीकली क्लोज देखने मिला तो ही जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी, वरना एक सीमित दायरे में ट्रेड होते हुए देखेगा आने वाले हफ्तों में, यानी 1780 से 1830 के बीच में अप एंड डाउन ट्रेड देखने मिल सकता है। फिलहाल लेकिन क्योंकि हम सपोर्ट के करीब हैं इसलिए यहाँ से या हल्की सी डिप मिले 46700 के आसपास तो वहाँ से एक बार बाइंग की जा सकती है अपसाइड, हालांकि जैसे मैंने बताया इमीडिएट तौर पर लिमिटेड रह सकता है। वहीं चांदी में जहां हमने पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग 65700 की क्लोजिंग देखी थी, उसके बाद हमने लगातार मुनाफा वसूली का रुख देखा है और 64000 के नीचे की क्लोजिंग दी है। वहीं स्पॉट सिल्वर ने भी $23.75 के करीब क्लोजिंग दी है, जबकि इसके पहले जो क्लोजिंग थी $24.7 के करीब थी, तो लगभग ₹2000 की करेक्शन के साथ बाज़ार ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अब तक ही ऐसा लगता है कि एक करेक्शन ही होगी और इसके बाद दोबारा तेज़ी का रुख देखने मिल सकता है। हालांकि अपसाइड जो रहेगा वो 66000 के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखने मिलेगा और इमीडिएट तौर पे 65200 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड में जो इमीडिएट की सपोर्ट्स है, $23 का इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, यानी डोमेस्टिक मार्केट्स में करीबन 62,000 से 61,500 का जो एरिया है वो अभी भी पोजिशनल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो चांदी में भी हमें लगभग 63,300 से 64,000 की रेंज में सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन अपसाइड भी जो होगा वो 65,200 और एक्सट्रीम केस में 66,000 तक जाएगा ऐसा मेरा मानना है। अगर 66,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया बाज़ार ने तो हमें ये रैली जो है एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, सिमिलर टू जैसे हमने गोल्ड में $1830 की बात की है, वहाँ पर अगर $1830 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ तो $1855 तक की रैली आने में आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है सीमित दायरे में कारोबार होगा ऐसा मेरा मानना है। वहीं सबसे ज़्यादा एक्शन जो हमने देखा वो बेस मेटल्स में देखा और एल्यूमिनियम जो वन ऑफ द टॉप पिक्स था पिछले हफ्ते उसे हमने शानदार तेज़ी के साथ क्लोज होते हुए देखा। 229 के ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली है ऑल टाइम हाइज़ के आसपास, $3000 के काफ़ी करीब हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एलएमई में जाते हुए देखा, जो भी लगभग 13 साल का हाइज़ है। तो जो भी दिक्कतें उसके सप्लाई में आ रही है, खास करके पापुआ न्यू गिनी जो एक देश है वहाँ पर जो माइंस है उस पे प्रोडक्शन का जो खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक तरह से मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसके साथ ही हमने इस न्यूज़ के चलते हमने देखा कि जहाँ जब ये न्यूज़ आया था लगभग 214 से 215 के करीब प्राइसेस चल रही थी, उसके बाद लगातार तेज़ी आते हुए देखी है और एक ही हफ्ते में लगभग 5 से 5.5% की तेज़ी हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखी है। तो ऐसा लगता है कि ये तेज़ी जारी रहेगी। 225 से 226 के रीजन में इमीडिएट सपोर्ट है और ये जो तेज़ी है 234 तक एक्सटेंड होगी ऐसा मेरा मानना है। तो अगर डिप मिले तो बाइंग करके चला जा सकता है एल्यूमिनियम में और टॉपिक की तरह लिया जा सकता है। वहीं हमने सारे ही बेस मेटल्स यानी जिंक हो या लेड हो, निकल और कॉपर, सब में ही शानदार तेज़ी आते हुए देखी। कॉपर ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ क्लोज दिया है 740 के ऊपर और आपको ध्यान होगा कि 730 का एक ब्रेकआउट मैंने बताया था, इसके ऊपर अगर निकलता है कॉपर तो लगभग 745 से 750 तक की
हाइज हमें देखने मिलेंगे। तो हमने लगभग 744 के आसपास के हाइज देख लिए और ऐसा लगता है कि ये रैली एक्सटेंड होगी। अगर डिप आती भी है तो 730 के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी प्राइसेस और इवेंचुअली 750 का नेक्स्ट लेवल हमें देखने मिलेगा। वहीं निकल ने भी 1515 का जो लक्ष्य था वो हासिल कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो ऐसा लगता है कि अब ये रैली और एक्सटेंड होगी और नेक्स्ट लेवल जो है वो 1565 का होगा। अगर डिप आती भी है तो बाइंग की जा सकती है। लोअर सपोर्ट 1485 के करीब है तो उसके नीचे एक स्टॉप रख के 1515 के करीब बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं लेड ने भी काफ़ी समय के बाद 182 के ऊपर ट्रेडिंग दिखाई है, तो ऐसा लगता है जो रैली है 193 तक एक्सटेंड होगी। और जिंक में भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी, 242 से लगातार तेज़ी देखने मिली है और हमें जो 252 के ऊपर के स्तर थे वो भी देखने मिले हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो ऐसा लगता है ये रैली एक्सटेंड होकर 258 से 259 के बीच एक्सटेंड हो सकती है। तो पूरे ही बेस मेटल्स पैक में मुझे लगता है कि तेज़ी के साथ एक पोजीशन बनाई जा सकती है। हालांकि हल्की डिप अगर मंडे और ट्यूसडे को देखने मिले तो उस डिप का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो टॉप पिक होंगे इनमें से फ़िलहाल कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम रहेंगे। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी उठा पटक हमने क्रूड ऑयल में देखी है। कच्चे तेल में हमने जो बड़ा दायरा देखा है 5150 से लेकर 4980 का देखा और इस दायरे में काफ़ी हद तक हमने क्रूड को ट्रेड करते हुए देखा और काफ़ी उठा पटक देखी है। इनफैक्ट जो पिछले थर्सडे को हमने देखा कि करीबन 2 या 3 बार ये जो रेंज है दोनों दायरे टेस्ट हुए थे और उसके बाद फ्राइडे का जो क्लोज आया वो ऊपरी स्तरों के आसपास आया, यानी 5125 के ऊपर का क्लोज है। ऐसा लग रहा है कि दोनों बुल्स एंड बेयर्स काफ़ी हावी है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में जो बुल्स हैं वो जीतेंगे और तेज़ी की तरफ कच्चा तेल जो है जाने में कामयाब होगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। जब तक WTI क्रूड $67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिमिलरली जब तक 4930 के ऊपर डोमेस्टिक बाज़ार में M6 पर क्रूड ट्रेड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप किया जा सकता है। अपसाइड में जैसे ही 5150 के ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो 5280 से 5300 तक का दायरा देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं जो दूसरी कमोडिटी है एनर्जी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हमने पॉजिटिवली आते हुए देखा और लगभग 3.5 साल के हाईस पे क्लोजिंग दी है। नेचुरल गैस ने 365 के ऊपर का क्लोज है। आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते भी हमने तेज़ी की बात की थी कि 330 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो 355 तक के लेवल देखने मिलेंगे और फिलहाल 355 का एक सपोर्ट बन चुका है और जब तक ये सपोर्ट होल्ड करेगा तब तक इमीडिएट तौर पे तेज़ी बनी रहेगी और ये जो रैली है 382 तक एक्सटेंड हो सकती है। इसीलिए बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और अगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखा जाए तो 330 का ही बना होगा। पोजिशनल बेसिस पे ऐसा लग रहा है ये जो रैली है ये करीबन 405 तक एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए शॉर्टिंग जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही की जाए। इनफैक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर करें भी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें और ओवरऑल जो रुझान है वो बाय ऑन डिप का है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप के लिए वेट कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा होगी। तो जब भी 8 से 10 रुपये करेक्शन हो तो इमीडिएट जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर बाय किया जा सकता है और अपसाइड में न्यू रीसेंट हाईज यानी 382 के टारगेट लेके चला जा सकता है। 355 का ध्यान रखिएगा और उसके बाद 330 जो है वो एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना। तो ये था एक जायजा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहेगा। धन्यवाद।